हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं एक नई लोकेशन पर लेके आया हूँ और मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है ऋषिकेश। और ऋषिकेश का जो राम झूला है उसके बिल्कुल बगल में ये एक घाट है और इसको मतलब मिनी गोवा भी कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लोग कितना एंजॉय करते हैं। तो आज इस वीडियो में एक तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि लोग कितना एंजॉय करते हैं यहाँ पर, और इसी के साथ लेके चलूँगा आपको नीर वाटरफॉल जो बहुत फेमस है यहाँ पर, कि जो लोग आते हैं वो अक्सर वहाँ जाते हैं देख के आते हैं। तो दोनों में कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ का जो व्यू है और जितना लोग एंजॉय करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं, ऊपर पहाड़ है और सनसेट पॉइंट भी है। ये जब सूरज ढलता है शाम को तो एक बहुत अच्छा नज़ारा होता है, तो करते हैं यहाँ पर एंजॉय। दोस्तों, ये जो पुल आप देख रहे हैं ये है राम झूला, और राम झूला के पास ही ये जगह है जिसको हम बीच के नाम से जानते हैं, और कुछ लोग इसको राम झूला बीच भी कहते हैं, और ये लोगों में काफ़ी फेमस है। मई जून के महीने में काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और नहाने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, साथ में बच्चे भी। चारों तरफ पहाड़ और बीच में से बहती हुई गंगा का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर लगता है, और वैसे ऋषिकेश को योग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपने मुंबई का बीच नहीं देखा, गोवा का बीच नहीं देखा, तो आप दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है ऋषिकेश, यहाँ पर आके इस बीच पर एंजॉय कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर लगेगा क्योंकि यहाँ एक पॉजिटिविटी है और आध्यात्मिक माहौल है। काफ़ी मंदिर भी हैं, आपको आश्रम भी देखने को मिलेंगे, और जो सामने आप देख रहे हैं ये है राम झूला, और काफ़ी लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, तो इस पर भी आप जाके यहाँ पर फोटोग्राफी कर सकते हैं, और शाम को यहाँ पर सनसेट का जो नज़ारा होता है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों, बच्चे तो काफ़ी एंजॉय यहाँ करते ही हैं, उनके साथ साथ बड़े भी काफ़ी एंजॉय करते हैं, और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप अपने आप को डुबकी लगाने से रोक नहीं पाएंगे। ऋषिकेश में ऐसे बहुत सारी जगह हैं, ऐसे बीच हैं, ऐसे आश्रम हैं, ऐसे घाट हैं जहाँ पर लोग प्री वेडिंग शूट के लिए काफ़ी पसंद करते हैं, और ये बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करते हुए, और पीछे राम झूला का जो पूरा व्यू है आप यहां पर देख सकते हैं। रात को यहां पर इस पर लाइटिंग हो जाती है तो ये और प्यारा लगता है। किनारे पर आपको बड़े बड़े पत्थर भी दिखाई देंगे जिन पर लोग बैठ के यहां पर फोटोग्राफी भी करते हैं, रिलैक्स भी करते हैं, और सुबह के टाइम पे तो यहां पर मेडिटेशन भी करते हैं। अगर आप यहां पर सुबह शाम आते हैं और कुछ नहीं करेंगे, अगर आप खाली चाय लेके भी आएंगे ना और यहां बैठ के पियेंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों, हमने यहाँ पर काफ़ी एंजॉय किया, एक दो घंटे आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, एकदम बीच जैसी जो फील है वो आएगी। तो अब मैं चलता हूँ आपको नीर वाटरफॉल लेके, और देखते हैं वहाँ पर भी हमें क्या क्या देखने को मिलता है और कितना लोग एंजॉय करते हैं उसको, तो आइए मेरे साथ। ऋषिकेश का सबसे बड़ा झरना है नीर, और इसे नीरगढ़ वाटरफॉल भी कहा जाता है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट इसे देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। बद्रीनाथ हाईवे से 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ है ये झरना, और इसकी दूरी की बात करें तो लक्ष्मण झूला से 4 किलोमीटर ये दूर है, और तपोवन रोड पर ये पड़ता है। तपोवन रोड से ही ऊपर की तरफ एक रास्ता जाता है जो नीर वाटरफॉल तक जाता है, और यहाँ जाने के 2 तरीके हैं, या तो आप पैदल जा सकते हैं, और पैदल नहीं जाना चाहते तो या आप अपनी गाड़ी ले आ सकते हैं और यहाँ पर, या फिर आपको जो राफ्टिंग वाली गाड़ी जो जाती है उनसे बात करके उसको आप हायर कर सकते हैं, तो ऑटो या ई रिक्शा यहाँ पर नहीं जाते हैं। स्टार्टिंग में ही आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा, यहाँ से आपको टिकट लेनी होगी जो 30 रुपये की है। अगर आप स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं तो 20 रुपये की टिकट है, अगर आप फॉरनर हैं तो 50 रुपये, और फॉरनर स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं तो 30 रुपये। तो यहाँ से आप टिकट लेके जब आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरह की लोकेशन दिखाई देगी जहाँ पर छोटे छोटे झरने दिखाई देंगे जो प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं और वाकई में एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इस रास्ते को चुनें जो पैदल का रास्ता है, और बीच बीच में आपको कुछ ऐसी लोकेशन दिखाई देगी। जंगल के बीचों बीच ये रास्ता और ट्रैकिंग करने में बहुत मजा आता है, आप भी अगर यहाँ आते हैं तो इस चीज को जरूर एक्सपीरियंस करें। Thank you.
दोस्तों ट्रैकिंग करने के बाद जब आप आएंगे तो इस रास्ते से वो रास्ता कनेक्ट होता है और यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटी सी मार्केट भी है जहाँ पर काफ़ी दुकानें हैं और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी स्नैक्स के तौर पर, तो यहाँ पर आप वो नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर है तो वहाँ भी चल के हम देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ लोगों को वापस आते हुए और यहाँ से जाते हुए भी, तो यहाँ पर वीकेंड में अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पर भीड़। तो अभी हम ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं वाकई में हमें कितनी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। नील वाटरफॉल के पास जैसे ही आप पहुँचेंगे तो आपको दिखाई देगा ये एक लकड़ी का पुल और ये कुछ छोटी छोटी दुकानें जहाँ पर बैठ के आप कुछ खा पी सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है और यहाँ पर अपने सामान की सेफ्टी का ध्यान रखें और इसके बाद आप एंजॉय करें। ये झरना जंगल के बीचों बीच है और यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ये झरना काफ़ी ऊपर से आता है। जैसे एक ये कुंड यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसा ही एक ऊपर भी है, तो कुछ लोग ऊपर भी जाते हैं। तो यहाँ पर आकर लोग वीडियोग्राफी फोटोग्राफी और ये देखा जाए तो प्री वेडिंग शूट के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है, लोगों की पहली पसंद है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये चारों तरफ का जो नज़ारा है बहुत ही प्यारा है। इस झरने को ऋषिकेश का सबसे बड़ा झरना माना जाता है और जो लकड़ी का पुल था अगर ऊपर खड़े होकर आप देखेंगे दूसरी साइड तो आपको ये पानी दिखाई देगा और यहीं से ये पानी जाके कई जगह आगे डिवाइड हो जाता है। जो रास्ते में हमने जो झरने देखे थे वो भी इसी का ही पार्ट हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कवर की दो लोकेशन, एक नील वाटरफॉल और एक रामझूला बीच। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दोनों लोकेशन में आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। देखो अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को बीच ज़्यादा पसंद है और किसी को भीड़ भाड़ नहीं पसंद। तो अगर आप भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते तो आपको फिर ये नील वाटरफॉल पसंद शायद ना आए। लेकिन ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। दोस्तों आप अगर अपनी गाड़ी से जाते हैं तो उसे ठीक से पार्क करें क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से यहां पर जाम लग सकता है और काफ़ी टाइम लग सकता है आपको निकलने में। चलिए मैं चलता हूँ और मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।